माय किचन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी बिल्कुल ठीक हैं जनाब, आपकी दुआओं से। तो आज की वीडियो जो है वो है जी हमारे, हमने बनाए थे जी थोड़े से बेकरी आइटम्स। हमारे बच्चे जो है वो पाकिस्तान से आ रहे थे, तो हमने उनको ज़्यादातर पसंद है जी बेकरी आइटम्स। तो हमने उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए थोड़ा सा खाने का इंतमाम किया था नाश्ते के लिए, क्योंकि वो आ रहे थे अर्ली मॉर्निंग में। तो बस आज की रात जो है वो हमारी बेकिंग करने में, खाना बनाने में और उनकी तैयारियों में गुजरी। उससे पहले भी हमने कुछ तैयारियां की थी, जैसे कि पेंट वगैरह, ये वो भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी भी वीडियो के साथ। तो यहाँ बना रही थी जी मैं ब्राउनी। ब्राउनी तो आजकल मैं जो पैकेट में आती है चॉकलेट फज और चॉकलेट पीसेस के साथ, बस वही हम लेकर आते हैं क्योंकि हमें और हमारे बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ बना रही थी जी मैं ब्राउनी का मिक्सचर, और बनाई भी है मैंने एयर फ्रायर में थी। और यहाँ हमारे साहबजादे जो हैं, इनसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था कि ब्राउनी कब बने और वो खाएँ। तो उन्होंने जो रॉ बैटर है उसी के साथ थोड़ा सा ना अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश की। तो यहाँ आते हैं जी बंस जो बनाने हैं या पिज्ज़ा बनाने हैं, मिनी पिज्ज़ा। उनके लिए चिकन बॉईल कर ली है मैंने, और इसको हम थोड़े से स्पाइसेस डाल के तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। और मिल्क जो है वो मैं इसलिए डालती हूँ इसमें कि जो मिक्सचर है वो बाइंड हो जाए, उसकी बाइंडिंग हो जाए अच्छी सी, ताकि उसके जो छोटे छोटे से पीसेस होते हैं ना वो फिर गिरते हैं और कहने कि ये ड्राई नहीं लगता है। इसलिए मैं मिल्क या क्रीम और जो चीज़ है वो बैटर के मतलब पकाते हुए साथ ही मिक्स कर देती हूँ। तो बस हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। वैसे तो ये बिल्कुल कुक है, बॉईल की हुई है, जो मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो बस आपने इसको उतार लेना है, इसको ठंडा करना है और आपने इसकी फिलिंग कर देनी है। तो यहाँ मैं, मुझे लगा था कि शायद चिकन थोड़ी सी कम है, तो इसलिए मैंने बॉयल चिकन जो पड़ी हुई थी मेरे पास वो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है इसमें। तो जो ब्राउनी का बैटर है वो हमने रख दिया है एयर फ्रायर में। अच्छा, एयर फ्रायर में अक्सर लोग कहते हैं कि जो चीज़ बेकिंग नहीं होती है, लेकिन एयर फ्रायर में भी बहुत मज़े के केक्स और जो बंस वगैरह अगर आपने बनाना है, इवन पफ पेस्ट्रीज वगैरह आपने बनानी है, तो वो बहुत अच्छे से बेक हो जाता है इसमें भी। और यहाँ हम बना रहे थे जी मिनी सैंडविचेस, जो मायो वाले बनते हैं। एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल मेरे मोबाइल में जो है ना वो स्पेस नहीं थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियोस जो है ना वो बना नहीं पा रही हूँ। एनीवे, बच्चे अभी यहीं पे हैं 1 महीने तक, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बनती रहेंगी और हम आपके साथ जो प्रॉपर रेसिपीज़ हैं वो ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं लेकर आती हूँ यहाँ पे जी जो पोटैटो बंस होते हैं। एक तो ये बड़े सॉफ्ट रहते हैं और ड्राई नहीं होते हैं बिल्कुल भी, जूसी सा फ्लेवर रहता है इनका, टेस्ट रहता है इनका। तो बैटर मैंने कैसे बनाया है, इसमें है जी कैरेट, क्यूकम्बर और चिकन बॉईल करके डाला है, उबले हुए अंडे डाले हैं, मायो है और केचप है, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट है। बस इन सारी चीज़ों का हमने अच्छे से मिक्स करके और बंस या ब्रेड वगैरह में असेंबल कर देना है। तो साथ साथ हम इनकी पैकिंग भी कर रहे थे, क्योंकि बच्चों ने अभी था टाइम ऑलमोस्ट 11:30 का, तो बच्चों ने आना था जी सुबह 4 बजे, उनकी लैंडिंग थी। हमने कहा कि बस चीज़ें जो है ना वो इसी तरह रेडी करके रख देते हैं, और बस हम थोड़ा लेट हो गए थे, बता रहे हैं आपको कि हम बहुत मसरूफ़ थे। तो बस हबड़ तबड़ में जो है ना वो थोड़ा बहुत काम चल रहा था। और ये चीज़ मिक्स कर रही थी मैं, जो क्रीम चीज़ वगैरह का बैटर हम बनाते हैं, ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ मैं। अभी आई थिंक लास्ट वीक की जो वीडियोस हैं दावत की, उसमें भी मैंने आपके साथ ये जो क्रीम चीज़ है आई थिंक वो शेयर की है मैंने। तो एनीवे, ये सब कुछ जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आने वाले दिनों में बनता रहेगा, तो हम प्रॉपर रेसिपीज जो हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ ले लिए हैं जी मैंने मिनी जो कप्स होते हैं डिस्पोजेबल। आपको पता है कि बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी पसंद आती हैं, बड़ा क्या कह लें कि अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को ये सारी चीज़ें।
तो यहाँ ले लिया है जी मैंने लेमन पाउंड केक है, उसके पीसेस करके मैंने इनमें डाल दिए हैं, और इन पे हम हल्का सा मिल्क जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और क्रीम चीज़ लगा देंगे। इसकी लेयर्स आप कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे अब मैंने यहाँ पे पाउंड केक लिया है, आप चॉकलेट केक ले सकते हैं, वनीला केक ले सकते हैं, या आप इसमें बिस्किट्स ले सकते हैं। दो लेयर लगनी होती है, अगर आप डिफरेंट कलर की लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस हमने इस पे मिल्क जो है वो स्प्रेड कर दिया है। हम इस पे डालेंगे जी थोड़ी सी क्रीम जो हमने क्रीम चीज़ के साथ जो है वो बनाई है, और इस पे सब पे मैंने जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट गार्निशिंग की थी, क्योंकि बच्चों को अलग अलग तरीके से जो है ना वो चीज़ें पसंद आती हैं। कुछ में मैंने मैंगो का जो है बल्ब या क्यूब्स वो डाल दिए थे, और यहाँ मैंने इसके ऊपर जो लास्ट लेयर दी है, इसकी सेकेंड लास्ट लेयर है ये थे मेरे पास ये ग्लूकोज बिस्किट्स थे, तो उसको मैंने जो है वो डाल दिया है इसके ऊपर। और मैं बता रही थी आपको कि इसके ऊपर जो टॉपिंग है वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट की थी। पहले मैंने सोचा कि इस तरह की स्माइलीज जो है वो बनाते हैं, लेकिन ये जो कोको पाउडर था मेरे पास ये स्वीट नहीं था, शुगर फ्री था ये, तो इसलिए बच्चों को जो है ना फिर इसका टेस्ट जो वो है वो कड़वा सा लगता है। तो बस ये मेरे पास कुछ केक के जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो सब पड़े हुए थे, तो उनके साथ मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी थी, और ये बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज, जो भी आपको पसंद है या आपके बच्चों को पसंद है, उसके साथ उन सारी छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप इनको गार्निश कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप इनके ऊपर एक एक अगर बिस्किट भी रख दें या जो चॉकलेट्स होती हैं छोटी छोटी सी वो भी रख दें, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये थे जी हमारे मिनी कप्स में हमने जो डिज़र्ट बनाया था, और ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, स्पेशली ये जो स्माइली है ये मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा जी, यहाँ ब्राउनी रेडी हो चुकी है। हमारा प्लान तो था कि हम लावा ब्राउनी बनाएंगे, लेकिन हम बिज़ी इतना थे कि हमारा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, और हमने प्रॉपर जो इसका टाइम है वो इसको दे दिया। अब आप कहेंगे कि लावा ब्राउनी कैसे, तो आप जो भी टाइम इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है उससे हाफ टाइम में इसको बेक करें तो आपकी लावा ब्राउनी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ आ जाते हैं जी बंस की तरफ, जो हमें बनाने हैं मिन्स रोल बनाने हैं, और बनाना है जी इसका मिनी पिज्ज़ा। मिनी पिज्ज़ा में मैं कुछ नहीं डालती, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको ये जो अनियन और कैप्सिकम ऑलिव्स वगैरह है ये ज़्यादातर पसंद नहीं आते हैं, स्पेशली सायम तो बिल्कुल शौक से नहीं खाता है, तो बस इसलिए हमने जो सिंपल वाले पिज्ज़ा है मिनी पिज्ज़ा वो बनाए थे। बंस कह लें उनको, क्योंकि हमने फिलिंग अंदर की थी और चीज़ जो है बस वो ऊपर स्प्रेड की थी, लेकिन बच्चों को खाना बहुत पसंद आया था। आफ्टरनून तक कह लें, आफ्टरनून में तक भी नहीं बल्कि रात डिनर तक जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके हम सभी कुछ ना कुछ खाते रहे थे, जो हमने ये बेकरी आइटम्स बनाए थे। एनीवे तो डो मैंने बनानी थी जो काफ़ी देर पहले, तो हम बनाकर इसको भूल चुके हुए थे, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि डो जो है ना वो बड़ी अच्छी सी जो है ना वो राइज हो गई थी। डो को आप जितनी देर रखेंगे, जितना ज़्यादा देर रखेंगे, इतनी वो क्या क्या कहें कि आपकी ब्रेड आपके बंस जो है ना वो इतने ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। डो की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं दोबारा इसकी रेसिपी शेयर करूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ हम बना रहे हैं जी रोल जो हमने बनाने हैं, उसके लिए हमने आप देख सकते हैं कि किस शेप में मैंने जो है रोटी को वो बेल दिया है, और इसको हम कट्स लगा लेंगे, बिल्कुल एजेस इसके जो है वो कट नहीं करने हैं, थोड़ा सा गैप रखना है उसमें, और एक कॉर्नर पे हम डालेंगे जी ये देखें जो कीमा है वो डाल दिया है।
कीमा नॉर्मल तरीके से जैसे हम बनाते हैं वो बनाया था मैंने, लेकिन इसमें ऑयल जो है वो थोड़ा सा कम डाला था। और बस आप किसी भी शेप में इसको रोल कर दें और आपके बंस जो है वो रेडी हो जाएंगे। रेडी हो जाएंगे मतलब बेकिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो बनाने तो हमने, मैंने सोचा था कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनाने हैं, लेकिन जो डो हमने बनाई थी वो थोड़ी सी कम पड़ गई थी। तो बस फिर हमने इसकी जो मिनी पिज्ज़ा है वो बनाए थे। मिनी पिज्ज़ा मैंने बनाए थे जैसा हम भरे हुए पराठे बनाते हैं, उसी तरह हमने चिकन की स्टफिंग की थी और इनको हल्का सा स्प्रेड करके मतलब फैला दिया था इसको, और ऊपर जो है ना वो हमने चीज़ जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी। और यहाँ टाइम देख रहे हैं कि जी रात के तकरीबन आई थिंक 1:15 हो रहे हैं, 1:45 का टाइम है रात का। और हम जी हमारे जो आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए खाने की तैयारी या उनके वेलकम की तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं और आपके बच्चों को, आपके घर वालों को ये चीज़ें पसंद आती हैं या वो अप्रिशिएट करते हैं और शौक से खाते हैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा जी, जो बंस हैं हमारे मिन्स वाले वो हमने रख दिए हैं बेक करने के लिए। और यहाँ आ जाते हैं जी टोटिया रोल्स की तरफ। जो चिकन हमारी बची थी वही हमने टोटिया ब्रेड जो है उसमें लगा के तो उनके बना दिए हैं रोल। और कुछ हैं जी ये स्पाइसी सॉसेज, इनके रोल्स हमने बना दिए हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम था तो बस इसी तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो हमने रेडी की थी। तो देखिए जी, बंस हमारे बहुत मज़े के रेडी हुए हैं, देखने में भी आपको लग रहा होगा बड़े अट्रैक्टिव से, और ये खाने में भी बहुत मज़े के थे। तो इसके साथ ही हमने रख दिए हैं जी जो हमने मिनी चिकन बंस बनाए हैं पिज्ज़ा टाइप के, और ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। बस हमारे पास जो है ना वो टाइम कम था तो हमने जल्दी जल्दी में जो है वो सारे काम ख़त्म किए, और हमने इन सबको अरेंज करके तो टेबल पर रख दिया था। लेकिन जब सब आए थे तो बस थोड़ी हबड़ तबड़ हो गई थी, तो बस हम अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाए। तो यहाँ पहुँचे हैं जी सुबह 4:30, हाँ 4:30 का टाइम है, हम पहुँचे हैं जी एयरपोर्ट पे। और ये हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे जो आए हैं पाकिस्तान से, तो इनको हमने रिसीव किया और फिर हम चले गए जी घर। और घर जाके हमने क्या हबड़ तबड़ की वो भी आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, और ये है हमारे घर का हार। जो भी चीखा पुका आया हुआ था बच्चों के लिए, लाइक जो साइन के लिए लेकर आए थे वो सब निकाला। और आपको पता है जब इस तरह से बच्चों के लिए सामान आता है तो बस आते ही हमने उसे खोलना होता है, इंतज़ार करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर हमने सामान वगैरह जो है वो समेटा और बच्चों की खुशी की इंतहा देखे आप। तो ये था जी छोटा सा हमारा अरेंजमेंट जो हमने वेलकम के लिए किया था बच्चों के। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम फ्रिज से निकालना ही भूल गए थे, और बस जो सामान पाकिस्तान से आया था बस उसी में हम खो गए थे कहीं। तो ये चिका पुका है सारा जो पाकिस्तान से आया था। इसके अलावा हमने हमारे लिए पाकिस्तान से, वैसे तो आपको पता है आजकल हर जगह सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन अपने देश से जो चीज़ आती है उसका कह लें कि उसकी चाहत और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और देख सकते हैं आप कि बच्चों से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, आते ही हमने सारे बैग्स जो थे ना वो खोल दिए। और ये है जी लीची का जूस जो हमारे मियाँ साहब को बहुत पसंद है।
जब भी कोई साहिवाल से आता है तो हमारी वहाँ से देसी मुर्गे की जो कढ़ाई है वो और लीची का जूस ज़रूर आता है। और ये हैं जी छोटे छोटे से गिफ्ट्स जो लाए हैं वो अपने बहन भाइयों के लिए। जारा लेकर आई थी अनम के लिए छोटा सा टेडी, और जैन भैया लेकर आया था साइम भैया के लिए। और ये है जी हमारे जो मियाँ साहब हैं उनका ईद का सूट। और ये सारा सामान आया है जी मेरे इन लॉज की तरफ से। आ गया, आपको पता है कि ईद आ रही है तो ये सारी ईदी शीदी वहीं से आई है। और क्या क्या आया है वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत कुछ आया है भाई, अभी तो इंतज़ार करें आप, और आप हैरान होंगे कि हम ये सारी चीज़ें मंगवाते हैं वहाँ से। तो ये देखिए एक और पटारा खुल गया है हमारा। इसमें है जी बेकरी के बिस्किट्स जो कि बहुत मज़े के होते हैं, और हमने ये ख़ास तौर पर मंगवाए हैं। ये हैं जी जो पीनट्स वाले बिस्किट होते हैं, और इसके साथ हमने मंगवाई है, इसको कहा जाता है जी फिंगर बिस्किट्स, ये भी बहुत मज़े के होते हैं। फिर इसके अलावा हमने मंगवाए हैं जी मौसम के हिसाब से, वहाँ पे टींडे थे इस वक्त मौजूद, फिर हमने टींडे मंगवाए हैं। और जो वहाँ की हरी मिर्ची है वो हमें बहुत पसंद है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है हमें, तो वो भी हमने वहाँ से मंगवाई है। तो इसके अलावा आया है जी हमारे पास पाकिस्तानी आम की जो बेटियां हैं वो आई हैं, उनकी तो हम वीडियो निकालते हुए बनाना ही भूल गए, लेकिन एक बैग जो है अब वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये आए हैं जी हमारे देसी गांव से बन के छाबे, चिंगेर कहा जाता है जिसे, तो ये हमारे मियाँ साहब को बहुत पसंद है, तो ये हमने स्पेशली मंगवाए हैं वहाँ से। और ये है जी वो फिंगर बिस्किट जो हमने मंगवाए हैं साहिवाल से। तो बस जी इसके बाद हमने सारा सामान वगैरह समेटा, और फिर आती है बारी जी खाने की। फिर हमने बैठ के खाना एंजॉय किया, और उसके बाद थोड़ी गप्पे शप्पे मारी, और बस उसके बाद टाइम हो गया जी हम सब के सोने का। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।